ଅପରେସନରେ ଏଯାଇ ମିଳିନି ସଫଳତା। ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା ହେଉଛି ତନ୍ମୟର ଅତି ନିକଟତର ହୋଇଗଲାଣି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍। ଚିନ୍ତାର କଥା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଏବଂ ତନ୍ମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଧା ହୋଇଛି ଏକ ପଥର ଚଟାଣ। ଏହା ଭାଙ୍ଗିବ ତ ବୋରୱେଲ ଭିତରୁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବ ତନ୍ମୟ। 4 ଦିନରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ତନ୍ମୟର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। बोरवेल फसी जीवन चली माराथन रेस्क्यू ऑपरेशन और किछि दूर रे तन्मय लगुला आज सरीज रेस्क्यू ऑपरेशन शेष पर्यायर ऑपरेशन में बाधक साजिला बड़ पथर चटाण। या भेद करने को पूरा जोर लगे रेस्क्यू टीम तन्मय को नुआ जीवन देवा को पण कर एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम पछगुंचा देव केमिति प्रथमे स्टोन ब्रेकर व्यवहार परे सुडंगरे माटी धरथिला। या परठारु हातरे फटई चलिछंती पथर चटाण। बाहरे पहाड़ परी गदा होईगलाणी पथर खंड सबु। ऑपरेशन रे तन्मय निकटरे सेपटे पहुंची गलेणी रेस्क्यू टीम। बाप एबे किछि फुटर दूरता। कितना टाइम हो गया, अब उसको क्या हुआ क्या नहीं वो भी नहीं बता रहे। एक नजर देखने भी नहीं दे रहे। कम से कम इतना टाइम लगाते क्या? हमारा छोटा परिवार का छोटा सा बच्चा है, वो तो गरीब लोग है तो नहीं तुम अभी कुछ नहीं करना चाह रहे। कितना दिन हो गया, आज मंगलवार से आज शुक्रवार हो गया। 45 फुट सीधा गात खोला सरी 10 फुट खोला जाउची सुडंग। बोरवेल को छुईब समांतराल सुडंग। बोरवेल और सुडंग मझिरे पथर चटाण। यह सुडंग जरिया बोरवेल निकट में पहुंची पाइप काटी तन्मय को उद्धार करने को ब्लू प्रिंट करी एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम। समय बढ़ुची, चिंता भी बढ़ुची, कारण गत 48 घंटा धरी तन्मय ठारू कौनसी प्रतिक्रिया मिलूनी। कुछ इस तरीके के पत्थर हैं, ये बोल्ट है और ये बड़ी बड़ी चट्टानों के आकार में है। इनको काट कर तोड़ कर इस तरह से बाहर निकाला जा रहा है। आप देख के समझ सकते हैं कि इसकी खुदाई करना कितना ज्यादा यहाँ पे मुश्किल कठिन काम है और यही वजह है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में समय लग रहा है। सुरंग खनन में स्टोन ब्रेकर व्यवहार फल माटी धरता तेणु अति सतर्कतार सहित गत 24 घंटा धरी सुरंग को हाथ में खोलुंट रेस्क्यू टीम। से पथर फटेवाकू समय लगुच। 400 फुट बोरवेल रे 4 दिन हम फसला 8 वर्षर तन्मय। चिंतार कारण होउछि तन्मय एबे निस्तेज। केतेबेले शेष पथर चटाण फाटिबो ताकू चातक परि चाहछन्ती समस्ते। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। न्यूज फ्लैश प्रेजेंटेड बाय सफेद।